नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या बुलडोजर एक तरफा भारत का नया प्रतीक है? गरीबों के घर पर या उनके मोहल्ले में जितनी आसानी से बुलडोजर चल जाते हैं, क्या अमीरों के मोहल्ले में चल सकते हैं? क्या दिल्ली के RWA के प्रेसिडेंट अपनी अपनी सोसाइटी में बुलडोजर वालों को नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो पहले क्लिप में हम देखेंगे उभरती हुई गोदी चाटुकार। उभरती हुई इसलिए क्योंकि ऐसे चाटुकारों की ना तो हम और आप लोग इज्जत करते हैं, बल्कि ऐसे चाटुकारों की संगी भी इज्जत नहीं करते। एक समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला और इन लोगों के पास कोई परमिशन नहीं थी। और हम इस घटिया रिपोर्टर से यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे बुलडोजर चलाने वाले सही थे तो सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन क्यों रुकवा दी? इसका जवाब नहीं होगा तुम जैसे कीड़ों के पास। वकार ऐसे साहब जो कि खुद कानून के ज्ञाता है, वो जज क्या बन रहा है सर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आप लोगों ने ठेका ले ही रखा है, मुसलमानों से नफरत कराना ही है, मुसलमानों के खिलाफ चिल्लाना है, मुसलमानों को बदनाम करना है। आपसे एक सवाल पूछा मैंने। नहीं, बिल्कुल देखिए, आप इंटरप्ट करने ही बैठे, देश के हर मुसलमान को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मत बोलिएगा सर, क्योंकि यूपी का ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर आप गारंटीज बात की है, गारंटीज बात की है कि अगर आपने इंटरप्ट नहीं किया मुझे। देखिए मैडम, एक बात समझिएगा पहले, पूरी बात आप जितनी अकलमंद आप हैं उससे 10 गुना ज्यादा मैं हूँ। गजब बेइज्जती है। और अगर आपको इसी तरह बहस करना है तो आई एम नॉट अवेलेबल। अगर आप मुझे बात नहीं रखने देंगे, अगर आप में हिम्मत नहीं जवाब देने की, तो आपको ये मंच छोड़ देना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए पत्रकारिता से। अपनी अकल अपने पास रखूंगी, जनता डिसाइड कर लेगी किसमें कितनी अकल है। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। ठीक है, आप मुद्दे पर मुझसे बात कीजिएगा। अब ठेके की बात आप कर रहे हैं ना, अब ठेके की बात कर रहे हैं, ठेका तो है। कोई भी अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रॉन्ग साइड होगा, आप कान खोल के सुनिएगा, कान खोल के। ओवैसी साहब तो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन दिखा, हिंदुओं के खिलाफ एक्शन नहीं दिखा। मैं देखिए, पुलिस को पहले जवाब देना होगा। और आपने अभी तक अपने किसी शो में आप 5 दिन से चिल्ला चिल्ली मचाए हैं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जुलूस निकला उसमें अवैध कट्टे लेकर किसकी परमिशन से निकले? बड़े बड़े तलवारें, बड़े बड़े हथियार, ध्यान से पढ़ लीजिए आप। नहीं, किसके किसके परमिशन से निकले? मैडम मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बिल्कुल सामने जो देख रहा है वो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। किसने किस पुलिस ने परमिशन दी थी कट्टे लेकर चलने की? आप अभी चिल्ला रही हैं या कह रही हैं कि मस्जिद पे भगवान झंडे नहीं फहराएगा? अगर आपकी 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 जहन में चिल्लाना होता क्या कहें आपसे? तो बहुत आप मैडम, पूरे देश में हो रहा है, भिवानी में एक मदार पे घुस के वहाँ नारे लगाए गए, मदार तोड़ा गया, मदार तोड़ के हनुमान की मूर्ति रखी गई, कितनी गिरफ्तारी हुई? आपने शो चलाया? आपने पूछा मुख्यमंत्री हरियाणा से? आपने पूछा हरियाणा के पुलिस डीजीपी से? उसे तथ्यों पर बात कीजिएगा। जो लिस्ट चल रही है इसमें 15 मुस्लिम आपको आईना दिखा रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ। उम्मीद ना थी मुझे कि आप पर जवाब नहीं दीजिए, मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। हिम्मत ऐसी होगा पूरा नहीं कर रहे थे मुझे। ये लिस्ट क्या कह रही है? दूसरा भी जवाब सुनिए, आप मस्जिद के ऊपर झंडे की बात कर रहे हो, गंगा झंडे, सुन लीजिए वो जवाब भी सुन लीजिए। आप सुनना पड़ेगा, सुनना भी है, बोलना भी है। लगातार आपको दिखा रही हूँ, भूगोल आपका ठीक कर दूंगा। अभी आपके पास जवाब नहीं, क्या तरीका है सर, ये किस तरह की भाषा है? जवाब नहीं है, आप नहीं, नहीं, आप मुझे आप आपके पास ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो। उसकी वजह ये है मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे जोर शोर से इन गोदी दलालों ने खुशी मनाई जब एक समुदाय के घरों को तोड़ा गया। पर जहां दुनिया पर बुराई है वहीं उस पर जीत पाने वाली अच्छाई भी है, तो देखे जरा इनको कैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं न्यूज लॉन्ड्री के बेहतरीन टीम वाले। आगे के जितना हिस्सा आप देख रहे हैं सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है जनाब, ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इस पूरे इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इन जगहों पर कोई उंगली उठा सके। अंजना का सपना जल्द ही साकार होने वाला था। सामान अंदर में पड़ा हुआ है सारा, और इन सब पर ऐतिहासिक तरीके से आप देख रहे हैं बुलडोजर चलता हुआ ये दिख रहा है। ये जहांगीरपुरी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लाइव आप देख रहे हैं बुलडोजर को चलते हुए। जितना इलीगल एंक्रोचमेंट है सब पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आपने कौन सा तोड़ा है भैया? जैसे ये जूस कॉर्नर है इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है भैया? वो क्यों बच गया? अब मस्जिद वाली जगह पर एनक्रोचमेंट को टारगेट करती हुई आपको ये बुलडोजर ये क्रेन दिखाई देगा। ये देखिए सबसे पहला क्रेन जो आप देख रहे हैं आज तक इस पर वक्त एक्सक्लूसिव गजब टाइमिंग है। दंगे वाली जगह बुलडोजर, संयोग या प्रयोग? जहां पत्थर चले थे वहां बुलडोजर चल गए। दंगे की साइट पर एमसीडी का सफाई अभियान, नो इफ नो बट, फैसला ऑन द स्पॉट। व्हाइल थिंग्स वर जस्ट गेटिंग एक्साइटिंग फॉर आवर न्यूज़ एंकर्स, इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्पॉइल्ड द पार्टी एंड इट ऑर्डर्ड एमसीडी टू स्टॉप द डिमोलिशंस। कोई भी डिमोलिशन ड्राइव करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोगों को नोटिस देना और टाइम देना, ताकि वो प्रूव कर सके कि उनका घर या उनकी दुकान लीगल है और पेपर्स प्रोड्यूस कर सके। According to a petition in the Supreme Court, it was stated that the MCD had not given prior notice. Ideally, dramatic increase in demand for bulldozers. Are we increasing domestic capacity for manufacturing, or will we have to depend on imports? Hashtag just asking. पर फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स का डायलॉग ट्वीट किया। वाह, विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म का डायलॉग ट्वीट करा, ये इतना इम्पोर्टेंट डिटेल पूरे दिन में हमें पता नहीं चला। थैंक यू नवित। इस देश में कानून की रिस्पेक्ट और कानून को उछालने का काम रोज हो रहा है। कोई गोली निकाल के चला देता है, कोई सड़कों पे बैठ जाता है, कोई शाहीन बाग में ट्रैफिक नहीं निकलने देता पूरे 40-40 दिन तक। यस, अकॉर्डिंग टू आवर टावरिंग न्यूज पर्सनालिटीज, गोली चलाना इज इक्वल टू फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड शाहीन बाग प्रोटेस्ट। हाउ टू क्रिमिनलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, लर्न फ्रॉम नविका। ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, बुलडोजर से लोगों को कानून समझाया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं और मैंडेट मिल रहा है। पता पूछ रही है कि अब क्यों निकला बुलडोजर, पहले क्यों नहीं निकला था बुलडोजर? देखिए नाविका जी, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है। सर अपने आप में गैर कानूनी नहीं होते, इसलिए बुलडोजर अगर गैर कानूनी इमारतों पर चले हैं तो चले हैं। तो लगता है कि कानूनी तौर पर कराए गए निर्माण को गिराया गया है, तो वो बेशक अथॉरिटीज को, सरकार को और व्यवस्था को घेरे, लेकिन उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले, लेकिन इसके लिए कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अवैध निर्माण हो या अवैध घुसपैठ, कागज के बिना कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। और अगले क्लिप में भी हम यही देखेंगे कि क्या होती है असली पत्रकारिता और क्या होती है दलालगिरी। पत्रकारों का काम ये नहीं है कि वो अपनी मान्यता अपने व्यूअर्स के ऊपर थोपे, उनका यही कार्य है कि जो घटना घटित हुई है उसको लोगों के सामने लाया जाए। पर ये दलाल संगियों से कभी प्रश्न नहीं करेंगे। आज के भारत को इस सवाल की नजर से देखिए, ये एक भारत है या एक तरफा भारत है, सबका भारत है या एक तरफा भारत? साथ ही जानते हैं सवाल आज ये भी है, हिंदुस्तान में हिंदू ही रिफ्यूजी है, मुझे लग रहा है हिंदू ही रिफ्यूजी है, बाकी सब परमानेंट है। हिंदू रिफ्यूजी है क्या देश में? पिटने मार खाने के लिए क्या? पिटने के लिए क्या हिंदू मार खाएगा हिंदू? दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा का नंगा नाच। हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें बालिक लड़कों के साथ साथ नाबालिग बच्चे भी हैं जिनके हाथ में हथियार है, आप पिस्तौल से लेकर तलवार तक देख सकते हैं। आखिर तलवार, चाकू, देशी कट्टे और डंडे के साथ शोभा यात्रा क्यों निकाली गई? मैं पूछना चाहती हूँ, वीडियो देखे अगर आपने तो कहाँ से ये आपको लग रहा है कि तलवारें हिंदुओं के हाथों में थी? यही शोभा यात्रा
जब जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की इस मस्जिद के सामने से गुजरी तो हिंसा शुरू हो गई। मस्जिद के लोग कहते हैं कि शोभा यात्रा के लोग भीतर घुस गए और तोड़फोड़ की। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का कहना है, पहले मस्जिद से पत्थर बरसाए गए, उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती हिंदुओं की या दंगाइयों की? अगर हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकालता है और मस्जिद के बाहर से निकलती है, पत्थर कौन मार रहा है हम सब जानते हैं। कोई हिंदू जाके पत्थरबाजी नहीं करता है किसी भी इलाके में, कोई हिंदू जाके दंगे नहीं भड़काता है। हिंदू दंगाई होता ही नहीं है और गलती हिंदुओं की निकाली जा रही है। स्टेडियम में को हैरानगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हिंसा शुरू हुई तब वहां पुलिस बहुत कम संख्या में मौजूद थी। देखते ही देखते दोनों ही पक्षों में जबरदस्त पथराव शुरू हो गया। आगजनी हुई, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, दुकानों को लूटा गया। इसी भीड़ में नीले कुर्ते में ये युवक गोली चलाते दिखता है। पूरे मामले के अंदर बांग्लादेशी एंगल निकल के आ रहा है। ये बांग्लादेशी मुसलमान एंगल है। बांग्लादेशी मुसलमान का एंगल इस पूरे मामले में निकल के आ रहा है। और बांग्लादेशी एंगल, आप रोहिंग्या एंगल, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो एक एंगल है वो तो है ही। रोहिंग्या को बीच में लाकर जहांगीरपुरी के मामले को एक दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, दूसरी दिशा में। रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेश के आए हुए लोगों हैं, क्योंकि मैं उनके घरों में खुद गई हूँ। लगभग यहाँ पर ऐसे 2-3 घरों में मैं खुद गई हूँ जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान है। वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम कई पीढ़ियों से यहीं पर रह रहे हैं। वो बांग्ला बोलते हैं। अभी यहीं पर मैं ऊपर वाले उस घर में गई थी। ये सब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। इस पूरे इलाके में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इन जगहों पर कोई उंगली उठा सके। A few moments later, पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। क्रेन चल रहा है अब मस्जिद के सामने, मस्जिद के ऊपर सबसे पहला क्रेन जो आप देख रहे हैं आज तक इस पर वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हुआ। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इस दिल्ली की आधी से अधिक आबादी जो झुग्गियों, बस्तियों और अवैध कॉलोनियों में रहती है, क्या उसे नहीं मालूम कि उसके लिए डिमोलिशन का क्या मतलब है? गरीबों के घर पर या उनके मोहल्ले में जितनी आसानी से बुलडोजर चल जाते हैं, क्या अमीरों के मोहल्ले में चल सकते हैं? डंके की चोट पर बोल रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे, बुलडोजर नहीं रुकने देंगे। इंडिया विद बुलडोजर, देश मांगे बुलडोजर राज। पत्रकारों ने जिस तरह बुलडोजर के बहाने गरीबों पर हो रहे प्रहार का जश्न मनाया, लगता है पत्रकारिता भी बुलडोजर हो गई है। बुलडोजर चलेगा और ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल जिसे मध्य प्रदेश के मामा ने भी अपनाया और अब इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर से लोगों को कानून समझाया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं और मैंडेट मिल रहा है। आप इसकी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? क्या बुलडोजर एक तरफा भारत का नया प्रतीक है? कुछ बीजेपी नेताओं ने जेसीबी को जिहाद कंट्रोल बोर्ड तक बता दिया। जेसीबी यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड। मजहब और राजनीति के रंग से बुलडोजर का स्वागत करने वाले आज उन लाखों लोगों से खुद को अलग कर रहे हैं जिन बस्तियों से निकलकर उनके घरों, दफ्तरों और दुकानों में काम करने वाले आते हैं। जिनसे आपका काम चलता है उन्हीं के घर पर बुलडोजर आतंक बनकर नाचने लगे और उसे देखकर जब आप नाचने लगे तो एक छोटी सी पर्ची पर लिखकर पर्स में रख लीजिए कि आप इंसान नहीं रहे। मतलब ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ अवैध निर्माण देखा गया। जो आज के एक्शन से फील आई वो यही है। 2019 में अदालत ने अजय माकन बनाम भारतीय संघ के केस में विस्तृत फैसला दिया है जिसमें कहा है कि हटाने से पहले प्रभावितों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। सभी प्रभावित लोगों को नोटिस जारी करना होगा जो पर्याप्त हो और तर्क संगत हो। सवालों में दूसरा पक्ष भी है जो बुलडोजर के एक्शन पर मजहबी डिस्काउंट मांगने के लिए खुलकर मैदान में आ गया है, जो शायद ये भी चाहता है कि अगर अतिक्रमण हुआ भी है तो उसे तोड़ने के लिए बाकायदा एक जनमत संग्रह कराया जाए, जनमत कराया जाए, शुभ मुहूर्त निकाला जाए, विशेष मुहूर्त निकाला जाए, तो अतिक्रमण करने वालों को जो सूट करता हो। ऐसा तो आप कभी नहीं चाहेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं कि जिन लोगों ने बिना अनुमति के यात्रा निकाली, देसी कट्टे और तलवार लहराए, उन्हें पकड़कर उनके घरों को तो नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि उनके घरों को भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या सबके लिए एक समान पैमाना अपनाया जा रहा है? क्या संविधान के नाम पर विपक्ष ने बुलडोजर का धर्म देखा है? तो ये धार्मिक चश्मा सर आप उतारिए। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। बुलडोजर का धर्म नहीं है सर, जेसीबी का धर्म नहीं है। धर्म ना पूछो बुलडोजर का, धर्म ना पूछो बुलडोजर क्या, ये भी आज हम सवाल पूछेंगे। हिंदी मीडियम के युवाओं को तय करना है
कि उन्हें अपने बुजुर्गों से कैसा भारत चाहिए, सबका भारत या एक तरफा भारत। वॉट यू हैव टू से, बेहतर है अंग्रेजी सीख लीजिए और ब्रेक ले लीजिए। आज ये वीडियो पर्दाफाश करते हैं। सोचिए, समझिए, जानिए ये हो क्या रहा है भारत में। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट माई व्यूअर्स, ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।